गाइस, तो आज बिल्कुल तगड़ी सी वॉच लेकर आ गया हूँ मैं आप सभी के लिए। अगर आप इस वॉच को परचेस करना चाहते हो या फिर आपको इसके फीचर्स वगैरह जानना है तो वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं इसका पूरा फुल रिव्यू भी देने वाला हूँ। कुछ इस तरीके से इसका बॉक्स है, W17 नाम है इस वाले वॉच का, पूरी तगड़ी वॉच है गाइस। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपना वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने के पहले मेक श्योर कि आप हमारा सब्सक्राइब बटन दबा दो, और इस वीडियो को अगर आप पसंद करोगे तो प्लीज एंड में अपना लाइक बटन भी ठोक के जाना। तो इसके साथ वीडियो शुरू करते हैं। बाय बाय, सॉरी, खत्म। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सॉरी, अपन वीडियो चालू करते पहले। चलो, कैसा लगा मेरा मजाक? तो गाइस, कुछ इस तरीके से इसका बॉक्स ऊपर मैं आपको दिख रहा हूँ। माइक्रोवेयर, उसके जस्ट नीचे में W17 लिखा हूँ, 500 प्लस वॉच पेस ऐसा लिखा हुआ है। अब देखते हैं इसके अंदर 500 है या ये धोखा है। एक ब्लैक कलर में अवेलेबल है। साइड पैनल में 45mm की वॉच दिखने को मिल जाती है। साइड पैनल में और देखेंगे अपन तो M2 Pro इसके एप्लीकेशन का नाम दिया हुआ है। BT कॉलिंग अवेलेबल है, BT कैमरा है, म्यूजिक का ऑप्शन मिल जाता है आपको, हार्ट रेट का ऑप्शन है, स्पोर्ट्स का ऑप्शन है, और बैक साइड में भी वही फंक्शन सेम लिखे हुए है। M2 Pro का बार कोड, मतलब QR कोड दिया हुआ है, उसको स्कैन करके आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और इस वॉच को कनेक्ट कर सकते हो। वॉच के बॉक्स के ऊपर प्रॉपर यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी डिज़ाइन। बॉक्स को हमने ओपन कर लिया है बातों बातों में, और ये जो है उसका मैनुअल कार्ड है। मैनुअल कार्ड गाइस, इसने मेरे को इम्प्रेस कर दिया, क्योंकि इसमें सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, चाइनीज़ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत पसंद आएगा गाइस। तो अभी अपन इसको वॉच के बॉक्स को देख लेते हैं। तो कुछ अंदर से ऐसा दिखता है, और वॉच कुछ इस तरीके से रखी हुई है, सिंपल है। बाकी उसके जस्ट नीचे में आपको चार्जर पॉइंट देखने को मिल जाता है, चार्जिंग केबल। तो ये जो चार्जिंग केबल है अच्छे से रैप होके आया था। अभी ये जो चार्जिंग केबल इसके पीछे जो है ऐसा मैच हो जाता है सिंपली, और एक जो है ये वाला साइड आपके एडाप्टर में लग जाएगा, अच्छे से चार्ज हो जाती है, एक डेढ़ घंटे में चार्ज हो जाती है ईजीली। तो अभी हम लोग इस वॉच को ऑन कर लेते और ऊपर बॉडी के ऊपर ध्यान देते थोड़ा सा, कि यहाँ पे जो है एकदम प्रीमियम फील करा रहा है, मतलब प्रीमियम देखने को, प्रीमियम एक लुक देखने को मिल रहा है। स्ट्रैप्स की क्वालिटी बहुत औसम है। बैक साइड में आपको यहाँ पे सेंसर देखने को मिल जाती है, सीरीज 7 लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, और 45mm की वॉच, मतलब थोड़ी सी बड़ी वॉच है। ऊपर में जो है ये रैपिंग लगी हुई, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं और आज़ाद कर लेते हैं उस वॉच को उस रैपिंग से। तो साइड पैनल में आपको दिखा देता हूँ, एक बटन है, और गाइस जो ये डिस्प्ले का टच देखने को मिल रहा है, मतलब ऊपर से जो ये ग्लास है बहुत ज़्यादा स्मूथ है, एकदम स्मूथ देखने को मिल रहा है। साइड पैनल में आपको दिखा देता हूँ, ये जो स्क्रॉल वर्किंग बटन है, और उसके जस्ट नीचे में माइक है, उसके जस्ट नीचे में ऑन ऑफ करने की बटन है, और साइड पैनल में इधर ही आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है। बाकी अभी हम लोग इसको नीचे वाले बटन से ऑन ऑफ कर लेते हैं, ऑन करके देखते हैं क्या दिखाता है इसमें। ऑन करते ही आपको एक बफरिंग वाला सिग्नेचर देखने को मिलता है, और यहाँ पे अच्छा था, खूबसूरत था, एक फेस आ गया है। और मैं पहले तो फेसेस दिखा देता आपको गाइस, ये वाला एकदम तगड़ा। और गाइस इसका डिस्प्ले देखो यार, बहुत ही फुल है, मतलब एंड टू एंड इसका डिस्प्ले देखने को मिल रहा है यहाँ पे, सही है गाइस, तारीफ करने लायक का इसका डिस्प्ले है। डिस्प्ले बहुत प्यारा है, अच्छा खासा लंबा डिस्प्ले दिया हुआ है। नीचे में हल्का आपको नॉच देखने को मिलता है, बाकी हालांकि उतना ही समझ में आता नहीं है, बट हल्का सा नॉच देखने को मिल रहा है। बाकी ऊपर की तरफ ऐसा कुछ भी नॉच देखने को नहीं मिल रहा, एकदम एंड तक डिस्प्ले बना हुआ है इसका। साइड में भी वही है सीन, हल्का सा नीचे में, बाकी डिस्प्ले पूरा फुल है। मतलब पहली वॉच देख, पहले इसके फेसेस देख लेते सारे के सारे। तो पहला ये फेस, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मतलब टोटल 6 फेसेस है। साइड स्वाइप करने पे आपको दिखा दे तो क्या आता है, अच्छा अपना ये कुछ आ गया है इधर, टाइम वगैरह आपको दिखाने को मिल रहा है, और यहाँ पे जो अपन ने रिसेंटली एप्लीकेशन यूज़ की हुए, मतलब जो यूज़फुल रहते हैं हमेशा, वो वाले कुछ कुछ एप्लीकेशन दिए हुए। ऊपर से नीचे स्वाइप करने पे आपको BT कॉलिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे QR कोड देखने को मिल जाता है, ऊपर में बैटरी परसेंटेज भी शो कर रहा है, और यहाँ पे अपन स्टाइल वगैरह सेट कर सकते हैं और ब्राइटनेस वगैरह भी सेट कर सकते हैं, ब्राइटर डिस्प्ले गाइस इसका। और यहाँ पे जो है ये कुछ वॉलेट का ऑप्शन देखने को मिलता है, अभी अपन देखेंगे इसका ये कैसा यूज़ होता है, मैं एंड में बताने वाला हूँ। बाकी सेटिंग ऑप्शन मिल जाता है, फ्लैगशिप का वहाँ पे ऑप्शन है, स्क्रीन टाइम का ऑप्शन है, ब्राइटनेस सेट करने का ऑप्शन है, वॉल्यूम का है, वाइब्रेशन इसमें हो जाता है कॉलिंग वगैरह आने पे, अपन रिंगटोन भी सेट कर सकते हैं ये मेलोडी के ऑप्शन पे जाके। तो मैं लैंग्वेज का सपोर्ट आपको मिल जाता है, रिस्टोर कर सकते हो। यहाँ पे अबाउट में आपको दिख रहा हूँ वॉच 7 करके लिखा हुआ है, डिवाइस का कुछ कुछ
और डिटेल दी हुई है। तो अभी अपन इसका मेनू में चले जाके देखते क्या आता है मेनू में, और साइड स्वाइप करके भी दिखा देता आपको। तो यहाँ पे पेडोमीटर देखने को मिल जाता है, हार्ट रेट वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि जो सेंसर्स होते हैं ये एक्यूरेट नहीं होते, अप्रॉक्सीमेट बताते, तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, स्लिप ऑन मोड जाता है। यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो आप मोबाइल का, वेदर वगैरह का भी सीन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये आप जब कनेक्ट करोगे मोबाइल से तब आपको देखने को मिलेगा। ऊपर स्वाइप करने पर आपको जो है यहाँ पे कैलोरीज वगैरह दिखा रहा है। अभी जो मेन मेन्यू में जब होम स्क्रीन पर होंगे, तो जब आप ऊपर स्वाइप करोगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह इजीली आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी अभी मेनू में जाके देख लेते हैं। मेनू में आपको कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाता है, कॉलिंग के ऊपर आपने क्लिक करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे डायल पैड आ गया, यहाँ से आप सिंपली कॉल वरना जो नंबर है आपको जिस नंबर पे फ़ोन लगाना वो नंबर डायल कर सकते करके इधर कॉल का बटन दबा के कॉल लगा सकते हो। वहाँ पे फोन बुक का ऑप्शन उसी के साइड में, और कॉल लॉक्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। मैसेज वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन है, बाकी ये देखो नोटिफिकेशन खुल गया, ये अपना सेटिंग का ऑप्शन एक मिल गया, अलार्म का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, टेम्परेचर वगैरह देख सकते हो आप, कैमरा बीटी कैमरा है, हार्ट रेट वगैरह मोशन आपको तो बता दिया कि सेंसर एक्यूरेट नहीं होता, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। स्पोर्ट्स मोड से यहाँ पर देखने को मिलता है, स्पोर्ट्स मोड में आपको वॉक, रनिंग, साइकिलिंग, क्लाइम, वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन, जंपिंग और टेनिस जैसे, फुटबॉल जैसे बहुत सारे यहाँ पे है, योगा का भी है यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड। और गाइस फाइंड माई डिवाइस को भी ऑप्शन यहाँ पे अच्छे से आपको देखने को मिल रहा है, अलार्म का ऑप्शन है। अब गाइस इसमें अपन चेक कर लेते हैं कि वेकअप गेस्चर अवेलेबल है या नहीं। मैं सेटिंग में जाके देखता हूँ कुछ है क्या ऐसा सीन, ब्राइटनेस वगैरह है, बाकी वेकअप गेस्चर का ऑप्शन, स्क्रीन टाइम वगैरह दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इसको 5-7 सेकंड के ऊपर सेट करके देखते हैं, और वेकअप गेस्चर भी एक बार चेक कर लेते हैं। अपने जब फेस की तरफ लाते हैं तो डिस्प्ले ऑन होता है, होता है गाइस, ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और स्पीडली कर रहा है। तो अभी अपन फिर से करके देखते, तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, एक सेकेंड से लेट आ रहा है ऐसा मेरे को लग रहा है। मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ कि मैं सही हूँ या गलत। तो हाँ गाइस एक सेकेंड से लेट है बट वर्क कर रहा है, अच्छा लग रहा है। ये यहाँ आपको नीचे में डेट वगैरह देखने को मिल जा रही है। अब अपन मेनू स्टाइल में मेनू थीम देख लेते हैं। डबल टैप अगर आप करते हो, बहुत अच्छा फीचर लगा मेरे को, डबल क्लिक करते हो तो आपका ये जो स्टाइल ये चेंज हो सकता है। और टच गाइड बहुत ज़्यादा स्मूथ है, अच्छा सा अच्छा खासा स्क्रोल वर्किंग भी आपको देखने को मिल जाता है, ये स्क्रोल वर्किंग है इसका। और फिर से अपन डबल टैप करके देखते हैं, तो ये 9 ऐप्स वाला का थीम, ये ऐसा आ गया, फिर ये ऐसा आ गया, मतलब अच्छे इसमें पैटर्न्स है जो कि मेरे को बहुत अच्छे लगे। बाकी आप जो अच्छा लगे वो आप सेट कर सकते हो, मेरे को तो ये भी अच्छा दिख रहा है बहुत अच्छे तरीके से। और स्क्रोल वर्किंग गाइस बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, और यहाँ पे जो साइड पैनल है बहुत प्रीमियम लुक दे रहा है गाइस। अभी मैं इसको थोड़ी देर यूज़ कर लेता हूँ और आपको अपना फाइनल रिव्यू देता हूँ, तो मिलके एक दो सेकेंड। तो गाइस मैंने इसको अच्छे से यूज़ कर लिया है, और वेकअप गेस्चर मेरे को बहुत प्यारा लगा, जब भी टाइम देखने रहता था मैं जस्ट ऐसा करता था और ये डिस्प्ले ऑन हो जाता था, बहुत अच्छा फीचर था। और नोटिफिकेशन जब आती है तो इसमें वाइब्रेशन होता है, कॉलिंग के टाइम भी वाइब्रेशन होता है, जो कि अच्छी बात लगी। बाकी आप इसको साइलेंट मोड में वगैरह डाल सकते हो, अपने हिसाब से रिंगटोन सेट कर सकते हो। कस्टम वॉलपेपर मैंने लगाने का ट्राई किया बट कस्टम वॉलपेपर में पता नहीं कुछ भी इशू आ रहा था, एप्लीकेशन में शायद इशू है, 2-3 मोबाइल से मैंने ट्राई किया बट दोनों में वैसा ही सीन हो गया, कुछ अब नॉर्मल एक्टिविटी को दिखा रहा था, मतलब एप्लीकेशन में कोई तो भी प्रॉब्लम है। आई होप कि ये जो एप्लीकेशन है थोड़ा जल्दी अपडेट हो जाए, अपडेट होने के साथ ही ये जो आदमी आप है इसमें कस्टम वॉलपेपर लगा पाऊंगे। और बैटरी बैकअप की बात करते हो अभी, तो बैटरी बैकअप जो है 5-10 घंटे आपको इजीली निकाल देंगे, क्योंकि मैंने जो यूज़ किया अभी 6 घंटे हुए और अभी भी 25% चार्ज बाकी है, मतलब आपको करीबन 10-12 घंटे इजीली चल जाना चाहिए, बट मिनिमम 5 घंटे अपन लेके चलते हैं, 5 घंटे चल जाएंगी। कॉलिंग वगैरह में भी आप इससे इजीली बात कर सकते हो, बट जो बैकग्राउंड नॉइस है वो थोड़ा बहुत जाता है, जो अपन ऐसे बात करते तो आजू बाजू में जो भी एक्टिविटी होती रहती है उसका नॉइस भी सामने वाले को जाता है। तो मैं उतना पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा कि कॉलिंग पे ज़्यादातर बात की, बट आपको इमरजेंसी में अगर बात करनी है तो आप कर सकते हो, एक अच्छा फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें सिर्फ आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो भी आप यूज़ कर सकते हो, सोशल मीडिया और टेक्स्ट मैसेजेस की भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाती है, बट आप रिप्लाई नहीं कर पाते हो, छोटा डिस्प्ले तो उसमें टाइपिंग का ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए आप इसमें रिप्लाई नहीं कर पाओगे, बस नोटिफिकेशन आप इजीली देख पाओगे। कॉलिंग वगैरह तो आप कर ही सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो, कर भी सकते हो, बस इतना ही गाइस। बाकी चार्जिंग टाइम बहुत कम है, एक घंटे में जल्दी चार्ज हो जाती है, एक से डेढ़ घंटे में इजीली जल्दी चार्ज हो जाती है, डेली चार्ज आपको इसको करना पड़ेगा। और गाइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रीमियम लुक देती है गाइस हाथ में, और बहुत पैरी पैरी लगती है ये। और गाइस इसी के साथ हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, बाकी इसकी मैं प्राइसिंग आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये खरीदना है तो कितने रेट पे खरीदना चाहिए। आपको ये 1600 से 1800 के बीच में मिलना चाहिए, मतलब 1600 से लेकर 1800 के बीच में अगर आपको ये मिलती है तो एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोडक्ट हो सकता है ये वाला। बाकी क्वालिटी वाइज बोलूँगा बहुत अच्छी है,
और गाइस अगर आपको परचेस करना है ये वाली वॉच तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर नीचे दे दूंगा और इंस्टाग्राम का नाम भी दे दूंगा हमारे, तो आप वहाँ मैसेज करके इसको ऑर्डर कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया शिपिंग अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, बस आपको जो डिलीवरी चार्ज वो एडवांस में पे करना पड़ता है। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो गाइस, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे। और मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।